अस्सलामुअलैकुम, मैं रिजवान अली स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। दोस्तों, आज हम हैं भिवंडी में। पूरा एड्रेस जानेंगे मोनू भाई से, जो आप काफ़ी जानते होंगे लोग होंगे मोनू भाई को, कि बकरों का काफ़ी अच्छा कारोबार करते हैं, काफ़ी माल लाते हैं। और आप सब लोगों के लिए धमाका ऑफ़र भी डालने वाले हैं और प्राइस वगैरह बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। और जो नए व्यूअर हैं अभी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे और मैं इंशाल्लाह ताला हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहूँगा। तो आइए चलते हैं, मोनू भाई से बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन सी क्वालिटी में बकरे हैं, क्या वज़न से क्या वज़न तक के बकरे हैं। बकरे तो काफ़ी हैं अलग अलग वेराइटी में, तो मोनू भाई से जानते हैं कि उनके पास कौन सी ब्रीड अवेलेबल है और क्या प्राइस होने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम मोनू भाई। अस्सलाम भाई। भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि हम इस वक्त हैं कहाँ, अगर किसी को आना है यहाँ पर तो एड्रेस बता दीजिए कि वो आराम से यहाँ आ जाए। ये भिवंडी सिटी में ही है, थोड़ा सोनाले गांव में। और ये अगर अपने को आना है भिवंडी कल्याण बाईपास से, राइट मार के जो पहला ब्रिज लगता है उसके नीचे से पाइप लाइन किसको भी पूछेगा, वहाँ से एक राइट टर्न, राइट टर्न मारने के बाद सोनाले गाँव आर के ग्राउंड ठीक आ गई है। सोनाले ग्राउंड आर के ग्राउंड सोनाले ठीक है। तो अभी दूसरी बात ये है यहाँ पर कि अपने पास क्या वेट से क्या वेट तक के बकरे हैं। अभी अपने पास है 40 से लेकर 85-90 किलो तक के खस्सी। 40 से लेकर 85-90 किलो तक के। और अंडू भी हैं कुछ अपने पास? अंडू भी अपने पास बहुत है, 80-90 किलो के अंडू भी। अच्छा, बड़े बड़े अंडू भी है, बड़े बड़े। तो हम कुछ और प्राइस वाइज का कैसा है कुछ? प्राइस तो इंशाल्लाह हम लोग धमाका ही देंगे लोगों को, अभी धमाका ही देंगे। लास्ट तक वीडियो देखो तो इंशाल्लाह प्राइस भी अपन सब बता देंगे इसके अंदर। तो प्राइस अच्छा होने वाला है लोगों के लिए, पहले बकरा दिखा देते ताकि प्राइस भी लोगों को समझ में आ जाए। तो कोई जो सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं, 40 किलो का कोई बकरा आप दिखा दो हम लोग को यहाँ पे कि 40 किलो का कौन सा बकरा है। तो मोनू भाई ये बकरा हम दिखा रहे हैं लोग को, तो ये क्या वेट में बताया आपको का अंदाज? 37-38 किलो का बकरा है। 37-38 किलो का बकरा है, मतलब आ जाएगा। और ब्रीड कौन सी है भाई? ये पंजाब नस्ल में भाई, पंजाब नस्ल में। वाइट आइज है इसकी? वाइट आइज, हाँ वाइट आइज है पंजाब नस्ल में। दांत है ना भाई इसको? हाँ दांत। ये मतलब ये यहाँ से बकरे आपके पास स्टार्ट है? स्टार्ट यहाँ। और सबसे छोटा बकरा? सबसे छोटा बकरा यही है। और इससे हैवी थोड़ा सा? सब 40-42 किलो, 45 किलो। और ब्रीड कौन कौन सी है भाई? एक चिजरी है, सिरोही है, हाँ? और पंजाब ज्यादा है, पंजाब बकरे ज्यादा है आपके पास। पंजाब बकरे, अभी देखो ये बकरा है दो दांत पे इतना बड़ा, इसको शायद अगले साल के लिए कोई पालने के लिए लेवे तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, बहुत वाकई में बहुत अच्छी चीज है। बीन लेंथ, आइज भी वाइट है ना इसकी। क्या वजन पे होगा भाई ये बकरा? ये लगभग आएगा 55-60 किलो आएगा, 55-60 केजी आएगा। और कांटा है ना अपने पास किसी को? हाँ। और भाव जो है वो वजन सही होने वाला है ना? वजन सही है, वजन सही है। चलो अच्छी बात ये है कि जो भी रहेगा सामने सामने रहेगा, आप वजन करिए। हाँ, वजन से जब पार्टी खड़ी रहेगी सामने सामने कांटे में वजन करके अपन माल देंगे। और इसमें ये अंडू है? ये हाँ, ये अंडुल है, अंडुल उधर पीछे भी, वो भी खड़ा है एक अंडुल। और बाकी जो बाजू में है पूरे सब अंडुल, वो भी हम दिखाएंगे लोग को जो अंडू है इसमें। मतलब ब्रीड अपने पास पंजाब है, गुजरी में है, अजमेरा में है, ये तीन ब्रीड है। ये भी काफ़ी अच्छा पंजाब है, कलर कॉम्बिनेशन इसका भी काफ़ी अच्छा है। ये क्या वेट पे होगा भाई? ये भी वही वेट पे आएगा, 55-60 किलो। और एक थोड़ा सा बड़ा बकरा दिखा दीजिए लोग को कि बड़ा बकरा भी देख लेवे। यानी हर रेंज के बकरे हैं आपके पास, 40 किलो से लेके 50-55 किलो, 60 किलो, 65 किलो, 70-80 किलो। बड़ा बकरा दिखाइए कोई। बड़ा बकरा क्या वेट पे होगा भाई? ये लगभग 75 केजी आएगा। हाँ, ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बच्चा है, चार दांत पे अभी है, लेकिन इसकी वाइट आईज जो है वाइट नहीं है, वाइट नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चे में शाइनिंग बहुत अच्छी है। हाँ, जेड ब्लैक बच्चा है। ये भी पंजाब में है? ये भी पंजाब में, ये लगभग 80 किलो के आसपास आएगा। 80 किलो के आसपास आएगा, चार दांत पे, चार दांत पे ये भी है। नहीं, क्वालिटी भी अच्छी है, साफ सुथरे बच्चे है। एक ये भी जो शेरा कलर बोलते हैं पंजाब में, ये बच्चा भी, ये भी बच्चा, हाँ शेरा कलर में है माशाल्लाह। बकरे तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मोनू भाई सबसे अच्छा बकरा इसमें से आपके कौन सा है? सबसे अच्छे बच्चे तो अभी देखो एक वो भी है और एक ये बहुत अच्छा पंजाब बच्चा। हाँ, ये दांत में क्या है भाई? अभी दो दांत, दो दांत के, एक साल पालने वाली चीज़ है, मतलब ये एक साल। वाइट आइज में, असल जो पंजाब का चेहरा होता है वो पंजाब का, वो पंजाब है। सिंगिंग भी बहुत लाइन लेवल से है इसकी, उठी हुई है। हाँ, घुसने का भी टेंशन नहीं, वही मैं बोला कि बहुत अच्छी, नहीं माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी चीज़ है।
और एक ये अंडू भी बहुत पसंद आया, ये बहुत चौड़े फ्रेम का अंडू है। तो भाई ये दांत देखिए ना, पक्का देखिए, एक बार दिखाइए ना मेरे को। चौथा दांत लगाया, हाँ अभी तोड़ा है, जस्ट उसने दांत तोड़ा है अभी, लगभग 90 किलो के आसपास। बहुत चौड़े फ्रेम का बकरा है, आप लाइव अगर देखिए, एक साल पलटी के लिए भाई ये चीज़ है वाकई में, बहुत अच्छी चीज़ है। पुट्ठा वगैरह इसका आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो क्वालिटी आगे का भी और पीछे का भी, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है, किसी को अगर लेना हो। और प्राइस तो इंशाल्लाह ताला धमाका ही है, वो तो वजन से ही है, वजन से ही है, जो भी वजन आएगा वो हिसाब से। तो चीज़ काफ़ी अच्छी है, आप लोग देखिए, और हम कुछ अंडू दिखा देते हैं, उसके बाद प्राइस का डिस्कस करेंगे, है ना। आइए कुछ अंडू दिखाते हैं लोग को, यहाँ पर भी क्या बोलते हैं कुछ अंडू हैं, वो भी दिखाएंगे, अच्छी चीज़ है काफ़ी। और यहाँ पर भी अंडू हैं। तो मोनू भाई ये सब क्या वेट के हैं अंडू सब, स्टार्टिंग इसमें वेट कितने से है? ये सब अंडू है 65 किलो के ऊपर है, 65 किलो के ऊपर है, 85 किलो 80 किलो तक आएंगे। और गुजरी और शिरोही ब्रीड के पूरे बकरे हैं। एक वो मैं देख रहा हूँ वाइट कलर, वो बिका हुआ है क्या, रस्सी लगी है उसको? नहीं, वो बिका नहीं है। तो फिर अच्छा गर्म ज़्यादा है। अरे ये कौन सी ब्रीड है? ये सब वही है, गुजरी मालवा आएगा उसमें। अच्छा गुजरी मालवा वगैरह में है, और ये भी शिरोही में ही है। तो काफ़ी बड़े बड़े हाइट के अंडू है आपके पास। और अंडू का भी प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, खस्सी और अंडू में डिफरेंस है थोड़ा सा? हाँ अंडू में कैसा, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, 10-15 रुपये ज़्यादा नहीं। अच्छा 10-15 रुपये ज़्यादा होगा, खस्सी का थोड़ा कम, खस्सी का थोड़ा कम रहेगा। तो वो भी बाड़े में हम अंडू दिखा देते हैं। ये क्या वजन पे होगा, ये जो आप बताए थे वो वाइट वाला? वो वाइट वाला लगभग 70 किलो तक आएगा, 70 किलो तक आएगा। और ये जो है ये सामने ये मुंडा 65-68 किलो आएगा। क्या दाँतते हैं भाई ये सब? दो दांत चार दांत ही है ज्यादा। अच्छा ज्यादा एज के बकरे नहीं है ये, थोड़ा सा ज्यादा एज का होगा ये, और ये काफी बड़े भी है। बाकी ये अभी चौथा दांत है, पांचवा लगाया है। कितना? पांचवा लगाया अभी, पांचवा लगाया है। नहीं बकरे काफी अच्छे अच्छे हैं। एक ये बकरा भी जरा खड़ा करिए ना इसको, ये भी काफी अच्छा बच्चा दिख रहा है, चेहरा वगैरह बहुत अच्छा है उसका माशाल्लाह। ये क्या दांत पे है? ये भी छह दांत पे होगा, छह दांत पे होगा। तो आप किसी को भी अंडू चाहिए यहाँ पर आ सकता है, प्राइस अच्छा होने वाला है, प्राइस भी मैं बताऊंगा आपको। तो अंडू से हम शुरुआत कर देते हैं, अंडू क्या प्राइस होने वाला है वो बता दीजिए आप लोग। ये सब अंडू जो है ये 400 रुपये, 400 रुपये फ्लैट, कोई भी आओ और 400 वजन करो, 85-90 किलो एकदम फिक्स भाव, 400 रुपये में आओ और वजन करके लेके जाओ। 80 किलो का हो, 90 किलो का हो, 95 किलो का, जो वजन आए अवेलेबल है, जो वीडियो में दिख रहे, जो वीडियो में दिख रहे, हाँ वो इंशाल्लाह 400। तो एक बार और आप लोग अच्छे से बकरा देख लीजिए, अगर आपको कुछ पसंद आता है इसमें से तो मोनू भाई को स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको नंबर स्क्रीन पर करवा दूंगा मोनू भाई का। तो जो भी अंडू आप ये सब देख रहे हैं ये सब 400 रुपये किलो हैं, और खस्सी का इससे भी कम इंशाल्लाह ताला भाव होगा। काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अंडू हैं, लाइव आकर देखिए स्क्रीनशॉट, जो बकरा आपको पसंद आए वो मोनू भाई को देकर आप बुक भी कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके, और लाइव आकर सौदा करना ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही हमेशा वीडियो में बोलता हूँ लोगों को कि जितना हो सके लाइव आएँ, लाइव देखें सामने सामने। और भी मैं अंडू दिखाता हूँ आपको, वहाँ भी काफ़ी अच्छे वेराइटी के अंडू हैं। ये थोड़ा बड़े हैं, वो थोड़ा सा उसमें कम ज़्यादा वज़न है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो मोनू भाई ये एक अंडू बचा है इसके अंदर, और एक ही पीछे वाला अंडू बचा है, हाँ वो भी पंचिंग है। अच्छा पंचिंग है वो, पंचिंग भी है कोई, अगर किसी, लेकिन पूरा रुआब वगैरह जो है वो अंडूल का ही है, और एक ही अंडूल है, और एक ही अंडू है। ये क्या वेट पे होगा भाई? ये लगभग आएगा 80 किलो तक, 80-85 किलो के आसपास आएगा, 80-85 किलो। और दांत में क्या आएगा? वो दांत में चार दांत है अभी, चार दांत फ्रेश है, छट्टा लगाया है। और एक ये भी जो बाल वाला थोड़ा फर वाला बोलते हैं, ये भी गुजरी में, ये 75-77 वजन आएगा इसका, 75-70 लगभग, हाइट 41 के आसपास है, 41 के आसपास हाइट है इसकी। तो ये सब जो अंडू मैं देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े अंडू, ये सब 400 रुपये किलो होने वाले हैं? ये 400 रुपये से दे देंगे आपको सब, एकदम फ्लैट 400 रुपये से, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं। चीज़ तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये चार अंडू इसमें बचे हैं यहाँ पे, ये दो हो गए और ये दो हो गए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बकरे हैं। आप लाइव आकर देखें, एक नंबर क्वालिटी के बकरे जो बोलते हैं वो चीज़ है। तो जितना हो सकता है, अच्छा ये अदन भी है, किसी को पालने के लिए चाहिए तो बहुत अच्छा बच्चा, हाँ दांत नहीं, कलर इसका बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा।
पूरा गोल्डन कलर बोलेंगे ना, पूरा गोल्डन कलर बोलेंगे ना, वो अच्छा पूरा गोल्डन कलर है माशाल्लाह। ये चीज़ बहुत प्यारी है, पालने लायक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा, अजान भी हो रही है। तो जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मैं हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए ठीक है मोनू भाई, अस्सलाम वालेकुम।